हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेक्टर। तो दोस्तों, अभी मेरा फ़ोन ख़राब होने की वजह से मैं अभी आप इस टाइप में मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो आपको एक अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन से एक अपडेट आया, जैसे कि ये अपडेट आया है जिसका भी चैनल अगर मोनेटाइज हो गया हो, कल रात को ही ये अपडेट आया, जिनका भी चैनल मोनेटाइज हो गया हो तो एक मेल आया होगा सारे लोगों, क्योंकि मेल आया होगा। जैसे पहले क्या होता था कि मिडरोल मतलब कि 10 मिनट के अगर आपका वीडियोज है तो ही आप बीच में ऐड लगा सकते थे, जैसे कि फर्स्ट में आप तो लगाते ही लगाते थे या आप लास्ट में भी लगाते थे, लेकिन आप बीच में 1 से 2 3 माने ऐड आप जरूर लगाते थे। तो उसी के बारे में मैं इस सारा कुछ वीडियो में बताया हूँ कि आप अब क्या कीजिएगा, जब मतलब कि सारा जो मेल आया है उसमें सारा कुछ क्लियर उसमें लिखा हुआ है, बहुत सारा लंबा सा मेल है, आपको पढ़िएगा, मैं इसमें दिखाता, बट थोड़ा सा कुछ एडिटिंग नहीं हो पा रहा है, मैं इस डायरेक्ट ही वीडियोज़ को शूट कर रहा हूँ और डायरेक्ट डाल रहा हूँ, इसके वजह से मैं आपको मेल को पढ़ करके नहीं सुना सकता। बट आपका अगर चैनल मोनेटाइज है तो आपके में बहुत ही मतलब कि पूरी बढ़िया से मतलब कि लिख दिया गया होगा और मेल किया गया होगा, आपके यूट्यूब चैनल के जो भी आपके मतलब कि मेल आईडी होंगे उस पर गया होगा। तो ये क्या हो गया है कि जब 10 मिनट का अगर वीडियो था तो उसमें आप क्या करते थे कि फर्स्ट में और लास्ट में वीडियो में तो आप डालते ही थे कोई भी ऐड, मिडरोल ऐड जिसे कहते हैं, और बीच में जो डालते थे उसी को मिडरोल ऐड कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट में डाल करके बीच में भी 2 या 3 आप ऐड डालते थे। तो यही क्या हुआ है कि अभी यूट्यूब ने अपडेट किया है यानी मोनेटाइजेशन को लेकर के, अब क्या हो रहा है कि अब 8 मिनट का भी अगर आप वीडियोस बनाते हैं, क्या 8 मिनट का अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आप फर्स्ट में और लास्ट में आप दोनों तरफ आप लगा सकते हैं वीडियोज। तो यही एक छोटा सा अपडेट था कि अगर आपका 8 मिनट का भी वीडियो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मतलब कि 2 3 4 ऐड अपना लगा सकते हैं। तो इसको क्या कर रहा होगा, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर के यूट्यूब स्टूडियो में जाना होगा और वहां जाकर के एक यहां पे आपको डॉलर का यानी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलता होगा, वहां पे क्लिक करके एक एक्शन बटन का वहां पे आपको शायद मिलता है ऐसे कुछ करके, वहां पे आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अभी मैं सॉरी प्रूफ नहीं करके बता सकता क्योंकि मेरा जैसे ही बताया फोन मेरा खराब हो चुका है। तो आप जाइएगा वहां पे, तो जैसे ही जाइएगा तो आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा और वहां पे आपको ऑन कर देना है सेटिंग को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।